कल मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है वो किस तरीके से करना है, आज वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में हमने जो एंट्रीज किए थे वो सोल ट्रेडर का एंट्रीज किए थे, जिसमें कि प्रॉफिट जब निकल जाता है, प्रॉफिट जब मिल जाता है तो वो सारा प्रॉफिट सोल ट्रेडर खुद उसका मालिक होता है, वो खुद रख लेता है। लेकिन स्टूडेंट, जब कई पार्टनर मिलकर के बिजनेस चला रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उस प्रॉफिट को बांटने का मसला आ जाता है। तो आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल में सीखेंगे कि सारे पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। प्रॉफिट के बंटवारे से पहले बहुत सारी बातें देखने को मिलती है पार्टनरशिप फंडामेंटल में। जैसे अगर किसी पार्टनर को अलग से सैलरी दिया जा रहा है, या किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, या किसी पार्टनर को या पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये सारा जो दिया जाता है एक पार्टनर को वो बिजनेस के प्रॉफिट से ही दिया जाता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता तो ये सारे चीज उसे दिया नहीं जाता। तो प्रॉफिट बंटवारे से पहले ये सारा चीज पार्टनरशिप के पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद ही हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो प्रॉफिट का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है आज हम उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट के बंटवारा को करने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का किस तरीके से बंटवारा किया जाता है ये हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स के बीच में कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, निकालना तो हम लोगों ने 11th में सीखा था कि
प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि उस प्रॉफिट को जो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे। तो ये जो बंटवारा का जो काम होता है वो पार्टनरशिप डीड के अनुसार दिया हुआ होता है। पार्टनरशिप डीड में जिस तरीके से नियम दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट के बंटवारे का, उसी तरीके से हम लोग उस प्रॉफिट को बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है, या उनके कैपिटल्स पर इंटरेस्ट देना है, तो उन सभी चीजों का किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एडजस्टमेंट होगा, वो करने के बाद ही हम सारे पार्टनर्स पर प्रॉफिट को बांटेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट हमारा दिया हुआ होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में लिख देते हैं। अब भी हमने आपको बताया था कि पार्टनर्स को जो भी मिलेगा बिजनेस में अलग से प्रॉफिट के अलावा, वो प्रॉफिट से ही दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसे ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, और ना ही कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, तो सैलरी प्रॉफिट से ही दिया जाएगा, और सैलरी देने का जो एंट्री होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। पार्टनरशिप प्रॉफिट से जो भी दिया जाएगा पार्टनर को, उसका एंट्री डेबिट साइड में, और प्रॉफिट के तरफ जो इनकम आके जुटेगा वो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है, अगर पार्टनर्स को उस अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को अधिक कार्य के बदले या अधिक बिजनेस करने के बदले कमीशन दिया जाएगा, तो वो भी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के ही अमाउंट से दिया जाएगा, और उसका भी एंट्री हम लोग डेबिट साइड में करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि एक रेट के आधार पर सारे पार्टनर्स को उसके लगाए हुए कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से काट के ही दिया जाएगा, इसलिए उसका एंट्री भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट से कुछ हिस्सा
हिस्सा निकाल करके रिजर्व फंड में डाल दिया जाता है ताकि फर्म में कभी जरूरत पड़े तो उस रिजर्व फंड से निकाल करके बिजनेस के यूज में लाया जा सके। तो अगर प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व फंड में डाल दिया जा रहा है तो उसका भी एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। का एंट्री करना नहीं छोड़िएगा। अब मान लिया जाए कि पार्टनर्स ने कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है और अगर यह पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि निकाले गए पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा बिजनेस में, तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए इनकम होता है और इनकम की एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे, यानी कि वो इनकम प्रॉफिट से प्लस हो जाएगा। तो अगर उसने पर्सनल अकाउंट पर्सनल खर्च के लिए निकाला है तो वो उसका विड्रॉ होगा और विड्रॉ में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसकी एंट्री हम इस तरीके से करेंगे। याद रखिएगा विड्रॉ जब वो करेगा तो वो इंटरेस्ट जो पार्टनर विड्रॉ किया वो इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को देगा, ठीक है। तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया या पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, इसलिए उसका एंट्री इनकम की तरफ हो गया इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। से बैलेंस करेंगे और सारा कुछ पेमेंट करने के बाद इस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जुटेगा और क्या क्या माइनस होगा, पार्टनर को दिया हुआ सैलरी, पार्टनर को दिया हुआ कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल पर दिया हुआ इंटरेस्ट और अगर रिजर्व फंड में उससे कुछ अमाउंट गया है तो वो भी प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। उसके बाद देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में वो सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर के जुट जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने जो हम उसके प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो इसकी इसका क्या एंट्री करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जिस रेशियो के अनुसार उन लोगों के बीच में प्रॉफिट बढ़ रहा है उस रेशियो के अनुसार हम यहां पर प्रॉफिट को उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का तरीका, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। अगले वीडियो में मैं जारी करूंगा कि पार्टनर्स के कैपिटल में किस तरीके से प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल में इन
पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व फंड जाकर के प्लस होता है, और ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस होता है उसके कैपिटल से। ये किस तरीके से होता है कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।